हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे स्पेशल। कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ यार। मैं आपको बनाना चाहूँगी लौकी का नया नाश्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बच्चों को। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी से बनाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले लेंगे हम ये लौकी। लौकी को हम आधा कट कर लेते हैं। हम आधी लौकी को यूज़ करेंगे। अगर चाहो तो पूरी लौकी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम छील लेते हैं। ये लौकी को मैंने छील लिया है। अब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है। आप चाहो तो छोटा या बड़ा ले सकते हो। लौकी जब भी आप खरीदो तो एक बात का ध्यान रखो, लौकी कच्ची होनी चाहिए। पकी हुई लौकी में बीज होते हैं जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। ये मैंने लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब लेंगे हम मीडियम साइज़ का आलू। आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको भी हम ग्रेटर से हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। लौकी के साथ ही मिक्स कर देंगे इसको भी। अब जैसा कि आपको पता है कि लौकी और आलू काले हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको जल्दी से बाउल में डाल के पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जल्दी से मैंने बाउल में डाल दिया इसको। इसको हम वॉश कर लेते हैं एक बार। ये देखो अच्छे से। अब इसका हम सारा पानी निकाल देते हैं, अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले जो पोटैटो का स्टार्च होगा ना, वो भी निकल जाएगा और अच्छे से वॉश हो जाएगी। देखो सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। फिर डालेंगे हम इसमें दही 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप दही नहीं खाते हो तो आप इस यहाँ पे लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन आप ये रेसिपी बना कर खिलाएंगे ना तो बच्चे बड़े सबको सब मज़े लेके खाएंगे इसको। आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको हम प्लेट से ढक के रख देते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार। इसमें डालेंगे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को मैंने छील लिया था पहले ही। उसको हम कट करके डालेंगे जिससे अच्छे से पिस जाए। फिर लेंगे एक प्याज। प्याज को मैंने छील लिया था। इसको छोटा वाला प्याज लिया है, आप भी छोटा वाला प्याज यूज़ करें। देखो उसको भी हम कट करके डाल देंगे। इसका जो रूट पार्ट होता है ना, वो मैंने कट निकाल दिया है। अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की जो ऊपर की टुंडी होती है ना, उसको हम निकाल देंगे और ऐसे कट करके डाल जाएंगे। जितना तीखा आप खाते हो और आप उतनी मिर्ची ऐड कर सकते हो। मैंने 3 से 4 मिर्ची ऐड करी है इसमें। ये मिर्चियों को भी मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ का अच्छा टेस्ट आता है गाइस, पाचन में भी बहुत अच्छी हेल्प करती है। फिर डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप चाहो टमाटर की जगह पर आप धनिया भी डाल सकते हो। फिर इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया। अब इसको हम एक बाउल में डाल देते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ पीस है ये। वाह, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। इसको हमने बाउल में भी डाल दिया। अब इसको भी हम साइड में उठा के रख देते हैं। फिर दोबारा से हम मिक्सर का जार लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम चीनी 1 टेबल स्पून। फिर इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबल स्पून के लगभग डाला है मैंने। फिर डालेंगे इसमें हम कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 चम्मच। फिर इसके बाद डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हींग। हींग का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। हींग का ध्यान रखें, थोड़ी सी ही डालें वरना कड़वाहट आ सकती है अगर ज़्यादा कर दोगे तो। पानी डाल के इसको पीस लिया था मैंने। अब इसमें हम डालेंगे बेसन 2 चम्मच। मैंने बेसन डाल दिया 2-3 चम्मच। अच्छे से पानी डाल देंगे दोबारा से। हल्का सा पानी डालना है क्योंकि बेसन तो ज़्यादा जल्दी पतला हो जाता है। पानी डाल के इसको मैंने दोबारा से पीस लिया। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा से पीस। हल्का हल्का पानी डालना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पतला हो जाता है। ये देखिए मैंने सब कुछ डाल के अच्छे से पीस लिया। देखो इस तरह का बैटर रेडी होना चाहिए हमें, एकदम गाढ़ा सा। इसलिए हल्का हल्का पानी डाला था मैंने। अब लेंगे हम 3 कटोरी। इसमें हम ऑयल लगा लेंगे 3 कटोरियों में। ये मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। अच्छे से ऑयल लगा लेंगे तीनों कटोरियों में। ये मैंने तीनों कटोरी में ऑयल लगा लिया। अब जो हमने मिक्सर जार में बेसन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसमें। तीनों कटोरियों में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। ये मैंने तीनों कटोरियाँ अच्छे से फिल कर ली हैं। अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम पानी। ये पानी डाल दिया मैंने। इसको हम कवर करके रख देंगे जिससे ये जल्दी गर्म हो जाए। कवर करके रख दिया। ये देखो पानी गर्म हो चुका है। अब हम रखेंगे इसमें पोहे की चलनी। ये तो लगभग सबके घर में होती है गाइस। अब फिर पोहे की चलनी रखने के बाद इसमें हम बेसन की कटोरी रख देंगे जिसमें हमने बेसन फिल किया था। ऑयल लगा के तीनों कटोरी अच्छे से रख देंगे और फिर कवर करके रख देंगे। जब तक ये स्टीम हो रही है तब तक हम लौकी को जो हमने दही और नमक डाल के रखा हुआ था ना, तो देखो कितना सारा पानी छोड़ दिया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बीच में बनाया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के पेस्ट को, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखो अब मैंने पूरा डाल दिया एंड में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे सूजी। एक बाउल मैंने सूजी लिए, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। ये देखो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जो सूजी है ना वो पानी पूरा सोख लेगी क्योंकि सूजी फूलती है पानी में। ये देखो अब मैंने पूरी कटोरी सूजी डाल दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे क्योंकि सूजी फूलती है ना इसलिए। तो अब प्लेट से ढक के रख देते हैं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम खोल के देखते हैं। देखो ये सूजी ने अच्छे से सारा पानी सोख कर लिया और इतना गाढ़ा गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। और इसमें हम डालेंगे इनो। इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम हल्का सा डाल देंगे पानी। ये देखो इनो एक्टिवेट हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बेसन की कटोरी स्टीम करने रख दी थी ना उसके ऊपर हम ये लौकी वाला पेस्ट डालेंगे इस तरह से। देखो तीनों कटोरियों में डाल देते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी बनी थी गाइस, मेरे को तो काफ़ी पसंद आई। अच्छे से तीनों कटोरियों में फिल कर देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से लौकी का बैटर डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से स्टीम करेंगे। अब जो हमारा लौकी का बैटर बना है तो उसको भी बेसन नहीं जाने देंगे, तो उसके लिए रखेंगे दूसरी कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा घी। अच्छे से, अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप घी का यूज स्किप कर सकते हैं, और नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप ऐसे ही थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे लौकी का बैटर। ये पूरा लौकी का बैटर डाल देंगे और अच्छे से पसार देंगे पूरे में, देखो इस तरह से। और फिर इसको भी हम कवर करके पकाएंगे। दोनों चीज़ें हमारी एक साथ पक रही हैं। ये भी पक रहा है, इसको भी हम कवर करके रख देंगे। साइड में हमारा ये भी पक रहा है। ये देखिए ऊपर से जब बैटर सूख जाए ना तभी उल्टा पलटी करेंगे इसकी। ये देखिए ये लगभग हो चुका है। नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लेते हैं। ये देखिए नाइफ एकदम साफ आ रहा है। इसका गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इन कटोरियों को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब एकदम ठंडी हो जाए ना तभी हम नाइफ़ की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। और साइड में ये देखो ये भी अच्छे से सक चुका है, मैंने पलट दिया था बीच में। अच्छे से दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक रही हूँ। काफ़ी क्रंची बनाएगा ये भी। अब इसका भी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइस। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, खाने में भी बहुत अच्छा बना था गाइस। अब इसको हम नाइफ़ की हेल्प से निकाल लेते हैं इसको भी। ये देखिए मैंने नाइफ़ की हेल्प से सारे निकाल दिए। ये देखिए बेसन की लेयर और सूजी वाली लेयर कितनी मस्त लग रही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था गाइस। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर रखेंगे एक पैन। पैन में डाला हुआ है मैंने रिफाइंड ऑयल। इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे।
जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे तिल्ली, सफ़ेद तिल्ली। अगर आपके पास कलौंजी हो तो आप कलौंजी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें राई यानी कि सरसों बारीक वाली, इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें ये वाली रेसिपी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से अलट पलट कर। ये देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, ब्यूटीफुल आ रहा है ना मुंह में पानी। तो जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। ये देखिए सारे पलट के अच्छे से अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। जब ये सिक जाए ना तब इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए घी में हम ये दूसरा वाला जो बनाया था ना इसको भी हम ऐसे ही हल्का सा सेक लेंगे। तड़का टाइप भी लग जाएगा ऊपर से ऐसे, और ये अच्छे से सेक भी जाएगा। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट के। ये देखिए ये भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। इसके ऊपर राई और तिल्ली का स्वाद काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। ये देखिए अब इन दोनों रेसिपी को हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। लौकी का नाश्ता बनके हमारा तैयार है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही गाइस, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा बना था, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए वाह, सॉस या चटनी या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी का नाश्ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।